साथियों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं। मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह के इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है।